मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कुशीनगर जनपद में कोविड 19 प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की और इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले विकास भवन स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल रूम पहुंचे। वहां उन्होंने ICC की गतिविधियां तथा कार्यक्रमों की जानकारी ली और कहा कि कंट्रोल रूम में कितने टेलीफोन लाइन लगे हैं। L2 अस्पताल के बारे में भी जानकारी ली तथा सभी जगह CCTV कैमरे लगे होने की भी पूछताछ की। मुख्यमंत्री ने CCTV कैमरे के माध्यम से कंट्रोल रूम की गतिविधियों को ऑन स्क्रीन भी देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ICC कोविड के खिलाफ अभियान का बैकबोन है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में कोरोना की पहली लहर के दौरान ही इस प्रकार के केंद्र की स्थापना कर दी गई थी। इस केंद्र को उच्च अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ से अस्पताल, बेड निगरानी समिति, होम आइसोलेशन, मेडिसिन किट, डॉक्टर से परामर्श, सभी गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं। उन्होंने कहा हर जनपद में प्रतिदिन कोविड से संबंधित नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। ब्लैक फंगस के संदर्भ में मुख्यमंत्री का कहना था कि इसके उपचार के लिए अलग वार्ड बनाया जा रहा है। पोस्ट कोविड वार्ड जहां ब्लैक फंगस की संभावना है वहां अलग से वार्ड बनाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के निरीक्षण के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम सुसवलिया गांव का भ्रमण किया तथा कोविड पीड़ित के घर जाकर उनका कुशलक्षेम पूछा और ऑक्सीजन जांच के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद वे निगरानी समिति के सदस्यों के साथ ग्राम प्रधान तथा आशा कार्यकर्त्रियों से मिले। महिला ग्राम प्रधान से बातचीत के क्रम में उन्होंने पूछा, ग्राम में निगरानी समिति कार्य करती है, कितने लोग हैं तथा क्या कार्य करती है। फिर उन्होंने आशा से बात किया और पूछा, क्या करती हैं, दवा भी देती हैं, किसको दवा देती हैं। आशा ने बताया कि जिसको सर्दी बुखार होता है उसे दवा दी जाती है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि चिन्हित लोगों की सूची किसे सौंपती हैं, जांच की टीम आती है कि नहीं, अभी तक कितने लोगों को दवा दिया गया है, यहाँ कितने कोरोना पीड़ित हैं, उनका इलाज चल रहा है कि नहीं, डॉक्टर बराबर विजिट करते हैं कि नहीं। ग्राम प्रधान को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में सैनिटाइजेशन, साफ सफाई आपकी जिम्मेदारी है। बरसात में दिमागी बुखार की समस्या आ सकती है, उसकी भी दवा हम भेज रहे हैं, जांच करवाइएगा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, सरकार आपके साथ है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा कोरोना बचाव हेतु उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनपद के जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की तथा इस संदर्भ में उनसे एक CHC PHC गोद लेने की अपील की। इस अवसर पर कृषि मंत्री के साथ जनपद के सांसद एवं समस्त विधायक तथा वरिष्ठ उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कितना पैसा मिल रहा है उनके लिए अलग से व्यवस्था है ना? ठीक है, दवा वगैरह मिली, डॉक्टर राय ले रहे हैं, फोन आते रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? और सुंदर, आप लोग सब ठीक है ना? उस बच्ची का ध्यान रखना, बच्ची को उधर उनके संपर्क में मत आने देना, अलग रखिए, अलग से उसकी व्यवस्था करवाइए, ठीक है ना? अरे काहे रोती है, इधर आओ।
उधर नहीं, उधर उधर कहाँ जा रहे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभी देखते रहिएगा ऑक्सीजन का। हाँ, ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए लोग आते हैं, उसको लगातार करते रहिए, दवा चलाते रहिए, एकदम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हाँ चिंता मत करिए, जांच करवा देना। ठीक है, आप तो बिल्कुल विधायक सर, विधायक से भी ज़्यादा वोट देते हैं बहुत सारे, बहुत अच्छा। गांव में निगरानी समिति काम कर रही है, कितने लोग हैं इसमें? अब आज से आप इस आपका शपथ ग्रहण हो गया, अब आप इस समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्या दवा भी देती है आप? मेडिसिन किट तो आप लोगों को मिलती होगी ना, उनकी सूची भी बनाते हैं, किसको देती है सूची? वहाँ से वो कर देते हैं। और फिर यहाँ जांच की टीम आती है, गांव में कितने लोग अच्छे लोगों को सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत थी और कोरोना का एक अभी है उपचार चल रहा है, उनका दवा है उनके पास, डॉक्टर पॉजिटिव या सर्दी जुकाम खांसी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति बच्चे आएंगे उसकी भी दवा हम भेज रहे हैं, नजदीक के सेंटर में ले जाकर के उपचार करवाने की व्यवस्था उनकी, ये निरंतर होते रहना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, ऐसे ही कार्य करते रहिए। मित्रों, आज मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन दो महत्वपूर्ण जनपदों के दौरे पर हूं। आज पूर्वाहन में मैंने देवरिया जनपद का दौरा किया था और अब मैं कुशीनगर जनपद के अंदर आया हूं। कोरोना की दृष्टि से भी और मस्तिष्क ज्वर की दृष्टि से भी ये दोनों जनपद अत्यंत संवेदनशील रहे हैं, क्योंकि मौसम अनियंत्रित है और समय बारिश पड़ रही है, इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से इसलिए हम लोगों को और भी सतर्क रहना है। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरे देश के अंदर जो अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है उसके अपेक्षित परिणाम आ रहे हैं। हमें व्यक्ति के जीवन को ही बचाना है, उसकी जीविका को ही बचाना है और उसी प्रकार की रणनीति तैयार करते हुए ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी चल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए उत्तर प्रदेश अपनी प्रभावी भूमिका के साथ इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में कार्य कर रहा है, इसके अपेक्षित परिणाम भी आ रहे हैं। हम लोगों ने ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के मंत्र को जमीनी हकीकत पर उतारने के लिए पूरी ताकत लगाई, आज उसका परिणाम है
कि 95% से अधिक रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश के अंदर है। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश के अंदर 3 के आसपास है। सबसे अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश अब तक कर चुका है, 4,77,00,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश ने अब तक संपन्न किए हैं। हमने अपनी क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाया है। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, अकेले 24 घंटे के अंदर आज प्रदेश में 3,57,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं, यानी सर्वाधिक टेस्ट है। कोरोना चेन के संक्रमण को ब्रेक करने के लिए टेस्ट आवश्यक है, और उसी दृष्टि से यह अभियान हमारे निरंतर आगे चल रहे हैं। एक तरफ ट्रेस निगरानी समितियों को हम लोगों ने मई प्रथम सप्ताह में ही गांव गांव भेज दिया था, इन्होंने अच्छा काम किया है। कोरोना चेन को ब्रेक करने में जहां पर जो मिला वहीं पे उसके उपचार की व्यवस्था, मेडिसिन किट वितरण की व्यवस्था उन्हीं के माध्यम से, और हर एक स्तर पर चाहे स्वच्छता सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई हो, चाहे निगरानी समिति के द्वारा समय पर हर लक्षण युक्त व्यक्ति को दवा उपलब्ध करवाने, 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम के द्वारा वहां पर उन लोगों का एंटीजन टेस्ट करवा लेना, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर जहां प्रारंभ हुए आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में सभी विशेषज्ञ मानते थे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना अनियंत्रित हो जाएगा, यहां की स्थिति अत्यंत खराब हो जाएगी, आज पिछले 24 घंटे के अंदर मात्र 3,300 केस ही उत्तर प्रदेश में आए हैं, जबकि आशंका व्यक्त की जाती थी कि लाखों की संख्या में आएंगे। इसी प्रकार से एक्टिव केस के बारे में भी ये लोगों का यह मानना था कि 10 मई तक उत्तर प्रदेश में 30,00,000 से अधिक एक्टिव केस होंगे। आज 26 मई है, आज उत्तर प्रदेश में कुल 62,000 एक्टिव केस बचे हैं, यानी हमारा जो कोरोना प्रबंधन के प्रति जो नीति हम लोगों ने अपनाई और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। जहां इस पर हम कार्य कर रहे हैं, वहीं कोरोना के बाद जो कुछ नए कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हैं, एक बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है लेकिन अभी भी उनके सामने कुछ समस्याएं हैं। हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड की स्थापना की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हुई और इसने काम करना प्रारंभ किया है। ब्लैक फंगस के उपचार की व्यवस्था भी हम लोगों ने हर उस जनपद में जहां पर ब्लैक फंगस से जुड़े हुए पेशेंट मिले हैं वहां पर भी वह सुविधा उन्हें उपलब्ध करानी शुरू कर दी है। प्रदेश में इस समय 500 से ज्यादा ब्लैक फंगस के से जुड़े हुए जो पेशेंट हैं उनके उपचार की व्यवस्था चल रही है, और इस उपचार को भी हम कोरोना के उपचार की तरह ही फ्री में शासन इसको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा थर्ड वेव की जो आशंका है उसके लिए हमारी तैयारी अभी से प्रारंभ हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड्स के पीकू के निर्माण की कार्रवाई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने 25 से 30 बेड के पीकू के निर्माण की कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और उस पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा कुछ CHCs को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं जहां से लोगों को या बच्चों को वहां पर स्थानीय स्तर पर ही ये सुविधा उपलब्ध हो सके। एम्बुलेंस की रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जा सके इसके लिए 108 की 75% एम्बुलेंस हम लोगों ने कोविड कार्य में लगाया है। महिला और बच्चे उनके लिए विशेष रूप से 102 की 2200 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में लगाई गई हैं। उनके लिए हर जनपद में एक डेडिकेट नॉन कोविड हॉस्पिटल आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं के लिए उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी हुई है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि भी अत्यंत संवेदनशील है। हम लोगों ने 4 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से इन सभी जनपदों में पीको और मिनी पीको के निर्माण की कार्रवाई संपन्न की है, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर बनाए हैं, सर्विलांस की बेहतर व्यवस्था की है, जो भी मैन पावर या जो भी चिकित्सा पैरामेडिक्स या नर्सिंग स्टाफ इसमें लगा हुआ है उन सब के प्रशिक्षण की भी कार्रवाई की है। आगे थर्ड वेव के लिए भी और इंसेफ्लाइटिस की संभावित स्थिति को ध्यान में रखने के लिए भी हम लोगों ने कहा है कि हम लोग इस पर विशेष ध्यान दें कि मैन पावर का प्रशिक्षण भी साथ साथ चलना चाहिए। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां पर सीएससी भी हम कोविड के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के लिए उनको भी तैयार रखेंगे। ये व्यापक समीक्षा यहां पर हुई है। हम लोगों ने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। यद्यपि ये विगत वर्ष से ही प्राथमिकता के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई वर्तमान में कोरोना की चेन को ब्रेक करने में मदद करेगा और भविष्य में बरसात के बाद यह इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोकने में भी ये मदद करेगा। इंसेफ्लाइटिस प्रभावित गांवों में अभी से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करवाना, व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को भी वहां आगे बढ़ाना, इन सभी के बारे में आज यहां पर विचार विमर्श हुआ। जो कार्य जिला प्रशासन ने किया उसकी समीक्षा की गई और क्या बढ़ोतरी इसमें हो सकती है इस पर भी उन्हें बताया गया है। कम्युनिटी किचन, कोरोना कर्फ्यू के दौरान होटल रेस्टोरेंट बंद है, मरीज के परिजन कहां भोजन पाएंगे, कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन्हें भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। रिक्शा, ई रिक्शा, स्ट्रीट वेंडर, इन लोगों के पास अपने साधन नहीं होंगे तो उनको लोग उनके कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने, हर जरूरतमंद को भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के द्वारा जून, जुलाई, अगस्त में निःशुल्क खाद्यान्न हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाने के साथ ही जितने भी श्रमिक हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर हैं और अन्य प्रतिदिन मेहनत करके कमाने खाने वाले उन लोगों के लिए भी भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था सरकार ने जून महीने में प्रारंभ की है। ये सभी कार्रवाई हमारी साथ साथ चल रही है। मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है, कोरोना के दौरान उन्होंने बेहतर कार्य किया, किसी एक सीएससी अपनी विधानसभा क्षेत्र में या अपने संसदीय क्षेत्र में किसी एक सीएससी या पीएससी को वे गोद लें और उस पर वे निरंतर वहां विजिट करके वहां की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने में हमें मदद मिल सकती है। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है इसमें वैक्सीनेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। प्रदेश ने अब तक 1,81,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया है। इसमें 13,65,000 से अधिक युवाओं को उपलब्ध हमने उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीन उपलब्ध करवाया है। 1 जून से हम वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। 45 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन पहले से उपलब्ध कराया जा रहा है हर एक जनपद में। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 23 जनपदों में हम लोगों ने 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ की है। 1 जून से सभी 75 जनपदों में हम इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए सभी प्रकार के निर्देश हर जनपद को दिए जा चुके हैं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के जिन लोगों को ये वैक्सीन देना है उसमें कुछ प्राथमिकताएं भी तय की गई हैं। अभिभावक स्पेशल बूथ बनेंगे। 12 साल से छोटी उम्र के जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर कुछ बूथ उनके लिए बनेंगे जहां पर अभिभावक स्पेशल के रूप पर उनको वहां वैक्सीन दिया जा सके, क्योंकि थर्ड वेव की आशंका को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुरक्षा कवच वैक्सीन के माध्यम से उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक है।
दूसरा, मीडिया के कर्मियों के लिए हर जनपद में एक बूथ, और न्यायिक अधिकारियों के लिए भी हर जनपद में उनके उनके परिवार के लोगों के लिए अलग से एक बूथ हर जनपद में बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब एक क्रमिक रूप से हर माह वैक्सीनेशन की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। मेरा अनुमान है कि हम लोग जून महीने में 18 से 44 आयु वर्ग के 48 लाख युवाओं को यह वैक्सीन उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे, और ऐसे ही 45 वर्ष की आयु के लोगों को भी अब तक हर महीने जितना वैक्सीन दे रहे हैं इससे ज्यादा वैक्सीन हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। ये सभी कार्रवाई, वैक्सीनेशन का ये पूरा कार्यक्रम, जितना पूरा ड्राइव चल रहा है, ये फ्री में है, और हर एक जरूरतमंद व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इसका लाभ ले सकता है। मेरी आप सबसे भी अपील है कि आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, भारत के जागरूक नागरिक हैं, कोरोना के खिलाफ देश का जो ये अभियान है, ये अभियान में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका एक हिस्सा बने, लोगों के मनोबल को बढ़ाने में योगदान दें, लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में अपना योगदान दें, और साथ साथ जो टेस्ट से न भागें, अगर निगरानी समिति कहीं पर किसी लक्षण युक्त व्यक्ति को चिन्हित करती है कि इसका टेस्ट होना आवश्यक है, वे लोग टेस्ट से भागे ना, बल्कि टेस्ट अपना जरूर कराएं। जिस प्रकार के निर्देश स्वास्थ्य टीम के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसका पालन करें। और दूसरा, वैक्सीन फ्री में है, ये सुरक्षा कवच है, वैक्सीन लगाने से भी न भागें, यही मेरी आप सबसे अपील है। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग बाहर न निकलें, कोरोना का खतरा भी बना हुआ है, केसेज कम हुए हैं लेकिन खतरा टला नहीं है, हमें सतर्कता सावधानी बरतनी पड़ेगी। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति बाहर न निकलें। शेष अन्य लोगों को अगर निकलना ही है तो मास्क अवश्य पहने, अगर इसका व्यापक प्रचार प्रसार अगर हम कर सकें तो निश्चित ही कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई विजयी होगी, देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। इस संकल्प के साथ आप सभी अपना योगदान देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।